हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह के लड्डू गोपाल की पोशाक बनाएंगे। ये पोशाक 5 और 6 नंबर के कान्हा जी की है। ये पोशाक मैंने 4 कलर की ऊन से बनाई है। चलो अब इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 17 चैन बनाते हैं। सत्रह चैन बनाने के बाद हम एक चैन और बनाएंगे, फिर हमारी 18 चैन होगी। तो हम पहली चैन तो छोड़ देंगे जो हमने एक्स्ट्रा बनाई है, और जो हमारी 17 चैन है उसकी पहली चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया में 2 का 1 करते हैं, पीछे से हम धागा नहीं लेते हैं। इस तरह सभी चैन के अंदर हम एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। ये हमारा सभी चैन में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बना के हमारी ये रो कम्प्लीट कर लेते हैं। ये हमने पहली रो कंप्लीट कर ली है। अब दूसरी रो में हम शुरू में 3 चैन बनाते हैं। 3 चैन बनाने के बाद सभी चैन के अंदर हमको दो दो डबल क्रोशिया बनाना है। तो पहली चैन का एक डबल क्रोशिया तो हो गया, दूसरा इसी चैन के अंदर हम ये हमारे 2 डबल क्रोशिया, अगली चैन में भी हमको 2 डबल क्रोशिया बनाना है, एक और इसी चैन के अंदर बनाना है। इस तरह हमें एक चैन के अंदर हमें 2 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह हमारी ये रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। हमारी अभी सेकंड रो भी पूरी हो गई। सेकंड रो में हमारे 17 तो हमने चैन ली थी, एक हमने एक चैन और ली थी, इससे हमारी 18 चैन हो गई। 18 के हमारे अब हर चैन में डबल क्रोशिया बनाने से हमारे 36 डबल क्रोशिया हो जाते हैं। हमको कुल 45 डबल क्रोशिया चाहिए। अब अगली रो में हम वापस से 3 चैन बनाएंगे। पहली चैन तो छोड़ देंगे क्योंकि पहली चैन का डबल क्रोशिया हो गया। दूसरी चैन में हम एक ही डबल क्रोशिया बनाना है, 2 हो गया। अब 2 बनाने के बाद तीसरी चैन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। अब अगली 2 चैन में, जैसे पहली चैन में 1 बनाना है, दूसरी में भी 1 बनाना है, और तीसरी चैन में हमें वापस से एक ही चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह हम ये लास्ट तक पहुंचेंगे तो हमारे ये 45 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अगर किसी चैन में छूट भी जाता है तो हम आगे पीछे भी बढ़ा के इसे पूरा कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में हमको 45 डबल क्रोशिया बनाने। अब हमने तीसरी रो भी कंप्लीट कर ली है। चौथी रो में हम इसकी बाजू निकालेंगे। तो शुरू में हम 3 चैन बनाते हैं। 3 चैन बनाने के बाद पहली चैन को छोड़ देते हैं और दूसरी चैन में 1 डबल क्रोशिया बनाते हैं। इस तरह हम 6 में डबल क्रोशिया बना लेंगे हर चैन में। 3 चैन में 3, चौथी में 1 डबल क्रोशिया, पांचवी में भी 1 ही डबल क्रोशिया और छठी में भी 1 डबल क्रोशिया। इस तरह हमने शुरू में 6 डबल क्रोशिया बना लिए 6 चैन के अंदर। फिर हम 10 चैन छोड़ देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन छोड़ के 11वीं चैन में, 11वीं चैन में हम 1 डबल क्रोशिया और बना लेते हैं। 11वीं चैन में 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। पीछे हम 13 चैन के अंदर 13 डबल क्रोशिया बना लेंगे। पीछे हम 13 चैन में 13 डबल क्रोशिया बना लेंगे। हमने पीछे अभी 13 सभी एक एक चैन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब वापस से हम 10 चैन छोड़ देंगे और 11वीं चैन के अंदर वापस से हम 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। और अब वापस से हमारे शुरू की तरह हम इसमें भी हर चैन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बना के 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे और ये रो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमारे कुल 25 डबल क्रोशिया हो जाते हैं। तो उसके बाद हम एक रो डबल क्रोशिया की और एक हाफ क्रोशिया की ओर निकाल के इस चोली को पूरा कर लेते हैं। हमें बाजू बनाने के बाद हमने 1 डबल क्रोशिया की ओर लाइन निकाल ली। अभी हमारे 25 चैन के ऊपर 25 डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके लिए हम 2 चैन बनाएंगे और पहली चैन तो छोड़ देंगे क्योंकि पहली चैन का हमारा हाफ डबल क्रोशिया बन गया है। पहली चैन छोड़ के दूसरी चैन के अंदर 3 का 1 साथ हमको 1 की करना है, 1 साथ हमको 1 कर देंगे। इस तरह पीछे से लेके हम 1 साथ हम 1 कर देंगे। इस तरह हमारी ये रो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमने हाफ क्रोशिया की लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको दूसरे हिस्से से स्लिप चैन से जोड़ देते हैं। इस वाली चैन से
वापस इसमें निकाल लेते हैं और कोई धागा नहीं निकालते, यहाँ पे इस तरह इसको बंद कर देते हैं, सूत को हम काट लेते हैं। ये हमारी चोली है, वापस में दोनों पार्ट आपस में जुड़ गए। अब हम इसमें दूसरे रंग की ऊन लगाएंगे, दूसरे रंग की ऊन हम इसमें यहाँ से इस ऊन को हम इस तरह जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद हम इसमें अब नो चैन बनाते हैं। पहली चैन तो हम इसमें इस तरह से नीचे से ले लेते हैं, पहली चैन बन गई। अब इसमें नौ चैन और बना लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, अरे ये नौ चैन। नौ चैन लेने के बाद हम इसमें पीछे से क्रोशे हुक में ऊन को लेते हैं। शुरू की तीन चैन को छोड़ देते हैं हम, एक चैन दो और तीन चैन छोड़ के चौथी चैन होती है उसमें हम क्रोशे हुक को डाल के पीछे से ऊन को ले लेते हैं। अब हमारे तीन हो गए, तीन के हम शुरू के दो को हाफ क्रोशिया बना लेंगे, शुरू के दो का एक कर लेते हैं। अभी लास्ट के जो दो बचे हैं इनको ऐसे कैसे रख लेते हैं, इनका एक नहीं करते। अब हम पीछे से उनको वापस लेते हैं, जो हमारी बची हुई चैन है, चैन में से नहीं उसके चैन के पीछे से, इस तरह चैन के पीछे से लेना है, पीछे से इस तरह उनको लेते हैं। ये दो हो गए, वापस से दो का एक कर देते हैं। इस तरह हमको ये इसमें 16 बार बनाना है। एक तो बन गया हमारा क्रोशिया हुक, उन चैन के पीछे से लेते हैं उनको इस तरह पीछे से लेके, फिर दो का एक कर देते हैं, हमारे दो बन गए। तीन चार पांच छः, शुरू के दो को ही करना है पीछे से लेके, सात आठ इस तरह हमको पीछे से लेना है। ये ऊन लिया, ये चैन के इधर नीचे से इस तरह लेके दो का एक ही कर देंगे, नौ दस। तो एक बार हर बार एक क्रोशिया हुक का एक ऊन रह जाती है हमारे, ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, 16 बार हम ले लेते हैं। 16 बार लेने के बाद हम इस तरह ऊन को लेते हैं, क्रोशिया को उल्टा करके एक साथ सारे में निकाल लेते हैं। निकल गया हमारा, निकलने के बाद हम इसमें ऐसे थोड़ा सा खींच के एक चैन बना लेते हैं। ये हमारी एक चैन, एक चैन हमारी ये बन गई। इसको इस तरह खींच लेते हैं, फिर हम चोली में शुरू की दो चैन छोड़ देते हैं, एक और एक की दो चैन छोड़ के तीसरी चैन के अंदर, तीसरी चैन के अंदर हम इसे एक सिंगल क्रोशिया से बंद कर देते हैं। बंद कर दिया, वापस से हम नौ चैन लेते हैं, ये नौ चैन ले ली। नौ चैन लेने के बाद वापस से हम ऊपर से पीछे से ऊन लेते हैं, शुरू की तीन चैन छोड़ देंगे, एक दो और ये तीन चैन छोड़ के चौथी चैन है जो हमारी, चौथी चैन के अंदर क्रोशिया हुक को डाल के पीछे से ऊन को लेते हैं और तीन का शुरू के दो का एक ही कर देते हैं, पीछे हमारे दो बच जाते हैं। वापस से हम पीछे से ऊन को लेते हैं। अब हमें चैन में से नहीं लेना, जो हमारी चैन बनी है उसके नीचे से इस तरह लेके, इस तरह पीछे से ऊन लेके शुरू का दो का एक ही कर देते हैं। तो हर बार हमारे पास एक एक क्रोशिया हुक बच जाता है, हमेशा एक बार बच जाएगा। हम लास्ट में इस तरह 16 बार कर लेते हैं और इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर अब हमने ये रो भी कंप्लीट कर लिया, एक बार हम दोबारा से बना लेते हैं। ये हमने नौ चैन बना लिए। नौ चैन बनाने के बाद
पीछे से हम इस तरह धागा लिखते हैं, शुरू की तीन चैन छोड़ देंगे, एक दो तीन चैन छोड़ के चौथी चैन के अंदर, चौथी चैन के क्रोशा हुक को डाल के पीछे से ऊन लेके तीन तीन में शुरू के दो का एक कर देते हैं, हमारे पास ये दो बच जाते हैं। अब हमें क्या करना है, पीछे से ऊन लेके अब चैन में ना बना के चैन के नीचे से लेके इस तरह, ये दो आ गए वापस से हमको, अब दो का हम वापस से एक कर देंगे। इस तरह हमें 16 बार बनाना है, एक तो बन गया, वापस से लेंगे, पीछे से लेंगे, इस तरह हमें 16 बार बनाना है। ये दो बन गया हमारा, इस तरह पीछे से लेंगे, चैन के नीचे से लेंगे, पीछे से ऊन ला के दो का एक, यहाँ से इस तरह पकड़ के इसको इस तरह निकाल लेते हैं जो आराम से निकल जाता है। तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और ये लास्ट वाला पीछे से लेके इसके नीचे से लेके दो का एक करके 16 बना लिया। अब 16 में से हमको 16 फंदे तो हमारे ये हो गए, दो पहले के 18 फंदे हो गए इस तरह हमारे। अब इसमें से क्रोशा एक को इस तरह लेके एक साथ ना निकले तो थोड़े थोड़े करके निकाल लो, जैसे बीच में हमने ऐसे कर लिया, फिर थोड़ा सा निकाल लिया, फिर थोड़ा सा, इस तरह हम पूरे को निकाल के इसके ऊपर एक हम चैन बना देते हैं। ये हमारी चैन बन गई। चैन बनने के बाद हम वही शुरू में एक और एक दो चैन छोड़ देंगे, एक और एक दो चैन छोड़ के जो हमारा ये पहला बनाया था उसी में हम एक सिंगल क्रोशा और बना के, ये हमने सिंगल क्रोशा बना के इस रो को अब हम पूरी कर देते हैं। ये हमारी सिंगल क्रोशा बन के रो पूरी हो गई, इस ऊन को भी हम यहाँ से कट कर देते हैं। अभी हमारी ये रो कंप्लीट हो जाती है, इसमें हमारे ये आठ इस तरह के राउंड बन जाते हैं, आठ गोले से बन जाते हैं। अब हम इसमें ये ऊन, अब दूसरे रंग की ऊन लगाते हैं, दूसरे रंग की ऊन हम, हमने जो यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें नीचे से चैन और इसके बीच में गैप होता है, इसमें यहाँ नीचे से हम लेंगे, नीचे से हम इस ऊन को जोड़ लेते हैं। हमने ये ऊन इसमें जोड़ लिए, अब हम इसमें यहाँ नीचे से ही एक चैन बना लेते हैं, इसमें चैन तो बन गई, अब इसमें हम सात चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः और सात चैन। सात चैन बनाने के बाद हमने जो अगला वाला, इन दोनों के बीच में जो हमने एक सिंगल क्रोशा बनाया था उसमें ऊपर की चैन में दोनों के बीच में गैप रहता है, इस चैन के अंदर, इस चैन में हमें एक इसमें सिंगल क्रोशा से इस तरह सिंगल क्रोशा लेंगे और इसको यहाँ से बंद कर देंगे। वापस से सात चैन बनाते हम, सात चैन, सात चैन बनाने के बाद अगले में वही, इन दोनों के बीच में देखो यहाँ गैप है, देखो इस गैप के अंदर इसमें क्रोशा को डाल के हम यहाँ पे सिंगल क्रोशा बना लेते हैं। इस तरह इस रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमने लास्ट में सात चैन बना लिए और हमारे इस वाली चैन के यहाँ पे हम इसको सिंगल क्रोशा से जोड़ देते हैं, हमारे जुड़ गया। अब हम पीछे जो हमारी ये चैन बनाई है इसमें बनाएंगे, तो शुरू में हमें एक सिंगल क्रोशा बनाना है। सिंगल क्रोशा बनाने के लिए हम पीछे से ऊन नहीं लेते, सिर्फ इसके नीचे से ऊन लेके दो का एक कर देते हैं, ये हमारा एक सिंगल क्रोशा बन गया। अब एक पीछे से ऊन लेके इसके नीचे से तीन का एक कर देंगे, ये हमारा एक हाफ डबल क्रोशा बना देते हैं। हाफ डबल क्रोशा बनाने के बाद अब हम इसमें अब डबल क्रोशा बनाएंगे, एक ये हमारा डबल क्रोशा बन, डबल क्रोशा बनाने के बाद हमको तीन चैन बनानी, दो और तीन चैन, तीन चैन बनाने के बाद हमारी जो चौथी चैन रहती है, तीन तो ये बनाई है, चौथी जो हमने डबल क्रोशा के ऊपर बनती है उस चैन में और इसके नीचे वाली चैन में दोनों के अंदर क्रोशा हुक को डाल के इस तरह एक स्लिप चैन बना देते हैं। स्लिप चैन बनाने के लिए हम कोई ऊन नहीं लेते, बस पीछे से ऊन लेके इसमें से निकाल देते हैं, तो हमारा इस तरह ये लूप बन जाता है। इस तरह हम इसमें छः
छः बनाएंगे, एक तो बन गया हमारा, ये हमने डबल क्रोशिया बनाया, तीन चैन बनाते हैं। तीन चैन बनाने के बाद हमारी जो डबल क्रोशिया की चैन होती है वो वाली और उसके नीचे वाली चैन में डाल के हम एक स्लिप चैन बना देते हैं। हमारी स्लिप चैन बना के इसमें से निकाल लेते हैं तो हमारे ये दूसरा लूप भी बन गया। वापस से हम डबल क्रोशिया बनाते हैं, तीन चैन बनाएंगे। तीन चैन बनाने के बाद ही हमारी ये चैन है इस चैन में लेंगे, जो हमारी डबल क्रोशिया की चैन बनती है वो उस चैन में, और नीचे वाली इस चैन में लेके हम इसको स्लिप चैन से जोड़ देते हैं तो ऊपर हमारा एक लूप बन जाता है। देखो इस तरह बन जाता है। अब इसमें हम ये तीन तो बन गए, तीन और बना लेते हैं। अब हमने ये छः बना लिए, छः डबल क्रोशिया के ऊपर छः लूप बना लिए। छः बनने के बाद वापस से हम हाफ डबल क्रोशिया बनाते हैं। हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम वापस सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। हमारी ये एक लूप के अंदर बन गया। अब दूसरे लूप में लाएंगे, दूसरे लूप में वापस से हम शुरू में एक सिंगल क्रोशिया बनाते हैं, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हैं। अब वापस से हम छः बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहला डबल क्रोशिया बनाया, फिर इसमें हमने तीन चैन ली। तीन चैन लेने के बाद ये जो डबल क्रोशिया की चैन है उस चैन में से और इसके नीचे वाली चैन में, डबल क्रोशिया वाली और नीचे की चैन रहती है इसमें, ये देखो नीचे की ये दो, ये वाली चैन और ये डबल क्रोशिया की चैन, इन दोनों में से क्रोशिया हुक को डाल के इस तरह पीछे से ऊन लेके एक स्लिप चैन बना लेते हैं। इस तरह हमारा ये लूप बन जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये हमने डबल क्रोशिया बनाया, डबल क्रोशिया की ये चैन का ये चैन बन जाती है। अब तीन चैन बनाते हैं। तीन चैन बनाने के बाद ये वाली चैन और ये दोनों चैन लेके जो हमने डबल क्रोशिया की बनाते हैं, जो ऊपर वो चैन बनती है वो चैन और उसके नीचे जो डबल क्रोशिया के ऊपर चैन रहती है उसमें से लेके इस तरह लेके हम ये बना लेते हैं। इस तरह हम ये अब पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं। छः बीच में बनाना है, शुरू में हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया बना के अब इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमने ये रो कंप्लीट कर लिए, लास्ट वाली रो में आ गए हम। इसमें हमने छः तो बना लिए डबल क्रोशिया, अभी लास्ट का हम हाफ डबल क्रोशिया बनाते हैं। एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमने जहाँ से शुरू किया था वहीं पे नीचे की चैन से लेके इसे एक सिंगल क्रोशिया बना के अब इस ऊन को भी हम बंद कर देते हैं। ये हमारा ये भी बंद हो गया। अब ये हमारा इस तरह बन जाती है कुछ पोशाक। अब हम अगला रंग जोड़ते हैं। ये ऊपर वाली जो चैन है, ऊपर जो चैन है, ये चैन ये रही चैन, इस चैन में और इसमें चैन में हम इस तरह ले लेते हैं। ऊपर वाली चैन में लेना है हमको, यहाँ से हम उनको जोड़ देते हैं। उनको जोड़ दिया, पीछे से ऊन लेके एक चैन बना लेंगे, ये चैन बन गई। अब इसके बाद हम नौ चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ये नौ चैन। नौ चैन बनाने के बाद हम वापस से पीछे की तरफ जाएंगे, जो हमने ये बनाया था ये वाला पहले वाला राउंड, इसके ऊपर वाली चैन में, ऊपर वाली चैन में हम इस तरह क्रोशिया हुक को डाल के एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। वापस से नौ चैन बनाएंगे, नौ चैन बनाने के बाद वो पीछे से हम ये जो हमारी ये वाला क्रोशिया है ऊपर का, ये तो ये चैन, इस चैन में से क्रोशिया हुक को डाल के हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। इस तरह यहाँ से इसमें क्रोशिया हुक को ऐसे डाल के एक सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। अब ये रो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने नौ चैन बना लिए, अभी लास्ट वाले मैं वापस जोड़ देंगे एक सिंगल क्रोशिया से ऊपर वाली चैन में लेके, हमने सिंगल क्रोशिया से जोड़ देते हैं। अब हमारे पीछे वापस से लूप बन गए, तो पहले लूप में हम वही वापस से हाफ क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद वापस से हम ऊपर वही तीन चैन बनाते हैं, एक
दो और ये तीन चैन, तीन चैन बनाने के बाद जो हमने क्रोशिया का चैन बनती है जो हमारी डबल क्रोशे से, उसी चैन में और इसके नीचे जो दो दो कई करते हैं उसमें चैन बनती है, उन दोनों में लेके एक इस तरह पकड़ के एक स्लिप चैन बना देते हैं। वापस एक डबल क्रोशिया बनाते हैं हम, तीन चैन बनाएंगे, तीन चैन बनाने के बाद हमारी ये चैन जो डबल क्रोशिया से बनती है और इसके नीचे वाली चैन में लेके एक स्लिप चैन बना देते हैं, इससे हमारा ये लूप बन जाएगा। अब नीचे की तरह ही हमने इसमें नीचे हमने छः बनाए थे, इसमें हमको आठ लूप बनाने, आठ लूप बनाने के बाद वापस से हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर एक सिंगल क्रोशिया, इस तरह करके हम इस पूरी रो को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम ये लास्ट वाले लूप में आ गए, हमने सात तो बना लिए, आठवां डबल क्रोशिया बनाते हैं हम, ऊपर से तीन चैन लेते हैं और तीन चैन लेने के बाद ये जो चैन है हमारे डबल क्रोशे की उसमें से लेके एक स्लिप चैन बना देते हैं, ये आठवां बन गया। उसके बाद हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हैं और एक सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमने जहाँ से शुरू किया था उसी चैन के अंदर इसी चैन में हम यहाँ पे एक स्लिप चैन से बंद कर देते हैं, ये बंद कर दिया हमने। अब इस रंग की उनको भी हम काट देंगे। अभी कुछ हमारी इस तरह की हो जाती है पोशाक। अब हम इसमें वापस से सफेद कलर की ऊन लगाएंगे जो हमने ऊपर ये जो चैन है इसी चैन में से लगाएंगे, सफेद कलर की ऊन को हम इसमें जोड़ देते हैं। नीचे से लेके एक चैन बना लेते हैं। अब इसमें हम 14 चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और 14, 14 चैन बनाने के बाद हम इसमें इस तरह से इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद इसी चैन में जिस चैन में से हमको बनाया था इसी चैन में हम इसको इस तरह एक स्लिप स्टिच से इसको बंद कर देंगे, को स्लिप स्टिच से हम इसे बंद कर देते हैं, ये हमारा बंद हो गया। बंद होने के बाद हम इसमें अब तीन चैन बनाएंगे, एक दो और तीन, तीन चैन बनाने के बाद हम इसमें अब 12 डबल क्रोशिया, तो एक तो हमारा बन गया, 11 और बनाए, ये हमने 12 डबल क्रोशिया बना ली, एक तो चैन और 11 डबल क्रोशिया और बना लेते हैं। 11 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम इसमें ऊपर दो चैन बनाएंगे, दो चैन बनाने के बाद वापस से हमको इधर 12 डबल क्रोशिया ही बनाना है वापस से, एक दो तीन, इस तरह हम 12 बना लेंगे। हमने ये इधर भी 12 चैन बना लिए, इसमें हम 14 तो चैन बनाते हैं, इधर की तरफ 12 डबल क्रोशिया, ऊपर दो चैन और इधर भी 12 डबल क्रोशिया, इस तरह पत्ती पूरी कर लेते हैं। पत्ती पूरी करने के बाद हम वापस से उसी चैन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बना के इसे पत्ती को यहाँ से जोड़ देते हैं। अब इसके बाद हम 8 चैन बनाएंगे जो थोड़ी लूज बनाते हैं, 3 4 5 6 7 8, 8 चैन बनाने के बाद हम वापस से हमारे दूसरे ये जो फूल बनाया था पत्ती सी बनाई थी इसके दूसरी तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे इसको छोड़ के इसके दूसरी तरफ यहाँ पे इस वाली चैन में से हम इसे एक सिंगल क्रोशिया से जोड़ देते हैं, फिर वापस से हम 14 चैन बनाएंगे, तो चौदह चैन बनाने के बाद पीछे से ले जाके हम इसी चैन में इसकी चैन में हम स्लिप चैन से जोड़ देते हैं,
हमने स्लिप चैन से इसमें जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हम इसको इस तरह घुमा लेते हैं, इसमें तीन चैन बनाते हैं, एक दो और तीन। ये हमारा एक सिंगल क्रोशा हो गया, एक डबल क्रोशा हो गया। अब वापस से हम इसमें 12 डबल क्रोशा बना लेते हैं। वापस से हम इसमें इसी पिछली पत्ती की तरह इधर 12 डबल क्रोशा, फिर ऊपर दो चैन और फिर 12 डबल क्रोशा। इस तरह करके हम इसमें सभी पत्तियां बना लेते हैं। अब हमने लास्ट वाली पत्ती बना ली है, इधर भी 12 बना लिए, ऊपर दो चैन और इधर 12। ये पत्ती हमारी पूरी हो गई है। अब हम जहाँ से इस पत्ती को शुरू करते हैं वहीं पर हम एक सिंगल क्रोशा से इसे बंद कर देते हैं। अब वापस से हम 8 चैन बनाएंगे, 8 चैन। 8 चैन बनाने के बाद हम पहली वाली पत्ती जहाँ बनाई थी वहाँ पे हम इसे बंद कर देंगे। अब हम इसे यहाँ पे स्लिप चैन से बंद कर देते हैं। हमने यहाँ पे स्लिप चैन बना ली, इसको बंद कर दिया। अब इस ऊन को भी हम काट देते हैं।